आइए आज हम आपको बताते हैं कि अवन में बैंगन कैसे भुना जाता है। आप कई बार जब अपने गैस पर भूनते हैं तो गैस खराब होता है या फिर वहाँ पे अच्छे से नहीं भून पाते हैं, तो हम अवन में भून लेते हैं। तो आइए, आपके पास अवन है तो उसे यूज कीजिए। ये देखिए, ये लीजिए, हमारे पास ये बैंगन है। आइए हम इसे अवन में भूनेंगे। इसकी ये डंडी तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े तोड़ लें, आपकी इच्छा है। देखिए, ये 250 से 300 ग्राम बैंगन है। ये सरसों का तेल जो हम इस बैंगन पे इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, ये लीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से तेल हमने लगा दिया है। अब हम इसको अवन में भूनने के लिए रख देंगे। तेल का रीजन ये है कि इसके जो ये स्किन है, ये छिलके बहुत आसानी से और आराम से निकल जाते हैं। तो लीजिए, ये माइक्रोवेव सेव हमारे पास बॉक्स है, उसके अंदर रख देते हैं। आप चाहें तो उसकी डंडी निकाल सकते हैं। ये लीजिए, आइए 6 से 7 मिनट का लगाएंगे। ये लीजिए, 7 मिनट का हमने लगा दिया है। 7 मिनट के बाद चेक करेंगे हम। लीजिए, हमने 7 मिनट का लगाया था, उसके पहले ही खोल लेते हैं। ये लीजिए, बैंगन हमारा बिल्कुल पका हुआ लग रहा है, चेक कर लेते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ा ठंडा होने पर इसकी स्किन छील देंगे। लीजिए, बैंगन को देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है। ये देखिए, काफी अच्छा कट भी पड़ गया है। ये देखिए, बहुत सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, आप गैस पर जब इसे भूनते हैं तो बहुत परेशानी आती है, कभी हाथ जल जाता है या फिर कभी पानी छूटता है, तो आपको लगता होगा बहुत परेशानी आ रही है। और देखिए, 6 से 7 मिनट के अंदर बैंगन भून करके एकदम तैयार हो गया है। इस तरह से देखिए, इसकी स्किन जो है इतनी पतली हो चुकी है, ये देखिए ऐसे छिलता जाएगा। ये जो हमने सरसों का तेल लगाया था इसके ऊपर, ऑयल लगाने से इसकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई है और ये भून करके तैयार हो गया है। अब आप इसका भरता बनाएं, रायता बनाएं। अगर आपने देखना है कि भरता कैसे बनता है तो मेरे पिछले सेगमेंट में देखें कि हमने आपको भरता बनाना कैसे बताया है। लीजिए, ये छिलके उतर चुके हैं, बहुत ही पतली स्किन हो जाती है। और देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा बैंगन जो है रेडी हो गया है। ये देखिए, पूरी तरह से अंदर से पक चुका है। अब आप इसका जो भी बनाना चाहते हैं तैयार कर लीजिए। अगर आपको हमारे तरीके पसंद आ रहे हैं, हमारी बनाई हुई चीजें पसंद आ रही हैं, आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।